अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुजम्मिल अहमद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज HBL PSL में जो है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है कराची किंग्स को आज मैच हरा दिया, और ये मैच जो है बिल्कुल समझे कि वन साइडेड हुआ। तो पहले जो है आज बात कर लेते हैं मैच पे। तो टॉस जीत के जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, और कराची की तरफ से जो है ओपनिंग करने जो आए वो शर्जील और जो है जेम्स विंस आए। तो ऐसा कोई ख़ास स्टार्ट नहीं दे सके जेम्स विंस, और वो जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद जो है फिर हैदर अली आते हैं, और उसके बाद जो है हैदर अली और शर्जील की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी जमती है, और ये लोग तकरीबन जो है पावर प्ले में 6 ओवर में तकरीबन 55 स्कोर कर जाते हैं। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि पावर प्ले में जब 55 रन जब इन्होंने कराची किंग्स ने किए, तो उसके बाद जो ओवर्स 3 ओवर्स जो आए उन्होंने बड़ा कम स्कोर किया, जिससे ये हुआ कि हमारा जो स्ट्राइक रेट जो अच्छा बना हुआ था और रन रेट अच्छा बना हुआ था, तो वो जो है गिर गया, जिससे ये हुआ कि जो हम स्कोर ऐसा लग रहा था कि हम जो है 200 कर लेंगे, वो हम क्या हुआ है? हमने 173 तक पहुँच सके। हालांकि मेरे नज़र में बहुत बुरी बैटिंग नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता था शायद कि थोड़ा अगर बीच में शायद और कोई अगर प्लेयर शर्जील और हैदर के बाद अगर कोई और अच्छा परफॉर्म कर जाता तो शायद ये 200 हो सकता था। लेकिन खैर 173 स्कोर जो था वो इस विकेट पे मेरे नज़र में सही था, एवरेज स्कोर था, बट ये 200 हो सकता था। अगर ये 200 होता तो मैच और अच्छा हो सकता था। इसलिए मैंने जो बताया कि ये जो जो पावर प्ले के बाद जो इन्होंने स्लो खेला, तो उसकी वजह से ये 200 क्रॉस ना कर सके। और अगर बीच में कोई अगर कोई इस तरह कोई बैटिंग कर लेता, शुएब मलिक या कोई दूसरा भी प्लेयर, तो शायद ये 200 हो सकता था। बात करें इनके इस्लामाबाद की बॉलिंग की, तो इस्लामाबाद की बॉलिंग स्टार्टिंग बड़ी अच्छी हुई, लेकिन बीच में थोड़ा सा ज़ाहिर शर्जील और हैदर अली ने काफ़ी अच्छा चार्ज किया, तो ये भी थोड़े से अंडर प्रेशर आ चुके थे। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने बेसिक्स को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी बॉलिंग लाइन टू लाइन और लेंथ टू लेंथ बॉल करने की कोशिश की। बट ये है कि आज जो है इस्लामाबाद की तरफ से रुमान रईस बड़े ज़बरदस्त रहे, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इकोनॉमिकल बॉलर रहे। शादाब थोड़े से आज ऑफ नज़र आए, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है PSL का पहला मैच है। तो ओवरऑल इस्लामाबाद ने एक अच्छी मेरे नज़र में अच्छी बॉलिंग की, और कराची किंग्स को एक एवरेज टोटल पे रिस्ट्रिक कर दिया। अच्छा, बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो है बैटिंग की। तो कराची किंग्स ने जो है 173 स्कोर किए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो है ओपनर आए पॉल स्टर्लिंग और हसन नवाज, और इनकी भी पार्टनरशिप कोई ऐसी खास नहीं जमी, और ये दोनों बड़े जल्दी आउट हो गए थे। तो उसके बाद जो है कॉलिन मुनरो और रेसी की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही, इन्होंने काफ़ी जो है तरीके से जो है कराची किंग्स को धोया। और उसके बाद जो है आज़म खान भी आए, तो उन्होंने भी आज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग दिखाई, उनकी भी अच्छी पार्टनरशिप लगी मुनरो के साथ। तो ओवरऑल जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबे में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई कंपेयर टू कराची किंग। अच्छा, बात कर लेते हैं मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था। मैच का टर्निंग पॉइंट मेरे नज़र में जो है जब कॉलिन मुनरो और रेसी की जो है पार्टनरशिप जमी, और उन्होंने जो है मैच बिल्कुल एक तरफ कर दिया, और फिर उस पर 4 चांद लगा दिया कि आज़म खान ने, तो ये मेरे नज़र में जो है ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। बात करते हैं अब कराची किंग को क्या करना चाहिए, क्योंकि अब इनके 8 मैचेस और रह गए हैं, तो अभी भी टाइम है। तो अभी अब आने वाले मैचेस में परफॉर्म अच्छा कर लें तो ये फिर टूर्नामेंट में रह सकते हैं, वरना वो पिछले साल की तरह जो है वो शुरू में ही आउट हो जाएंगे। करना ये चाहिए कराची किंग्स को, मेरे ख्याल से अपना माइंड सेट चेंज करें। मुझे ऐसा लगता है अभी भी वो 5 से 10 साल पुरानी जो है T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ा क्रिकेट अपनी जो बॉलिंग हो गई या बैटिंग हो गई उसमें थोड़ा सा एग्रेसिव क्रिकेट दिखाएं, जिस तरह ये इस्लामाबाद यूनाइटेड आज खेला, जिस तरह इस्लामाबाद वैसे भी खेलती है। तो कराची किंग्स को भी चाहिए कि थोड़ा कुछ फॉलो करें अपने आसपास की जो टीम वाले हैं उनको, उनके तौर तरीके पे चल के थोड़ा सा अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करें, ताकि ये हो कि उनका माइंड सेट अभी नज़र नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं, मतलब किस माइंड सेट से खेल रहे हैं समझ भी नहीं आ रहा। मुझे तो जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि उनका भी आज से 5 से 10 साल पुराना वाला जो माइंड सेट है वही है। अभी मौका अच्छा है कि ये अभी टीम कम्बिनेशन बेहतर बना है, मुझे नहीं लग रहा अभी भी बैटिंग और बॉलिंग में कम्बिनेशन हमारा अच्छा है कराची किंग्स का, तो इनको अपना कम्बिनेशन अच्छा बनाना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, गो फॉर रिजल्ट की फिक्र ना करें भाई, अपना एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। ठीक है, जब आप माइंड सेट जब आपका इस तरह का होगा ना, तो आप अच्छा डिलीवर भी करोगे। जब जब आपके दिल में डर होगा कि यार मैं अगर तेज़ क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो क्या मैं आउट ना हो जाऊं, ठीक
ठीक है, तो इस तरह जब आप डरते हो तो फिर आपका रिजल्ट भी नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कराची इसको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको जो है मेरी HBL PSL की जो है ये मैच वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तो मिलता है जैसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।